किस तरह से कीपर की किक, और एक बार फिर टीएमसी के वश में बॉल। ये देखिए कैसे काउंटर अटैक किया जा रहा है, एक अच्छा पास टीएमसी के कंडीशन बॉल, और ये एक और बार फिर टीएमसी का बॉल मिलता हुआ, काफी अच्छी रनिंग। रेफरी का इशारा थ्रो इन, सलमान फारसी के वश में थ्रो कर दिया। और क्या बात है, क्या बात है, आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे पूरे पैशन के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं। उन्हें रूल्स रेगुलेशन इसलिए नहीं पता क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन शौक गेम का देखिए किस तरह से है। और ये फाउल दिया रेफरी ने, हाई फुट का फाउल। जब बॉल आपके सर के पास हो तो उसे हेड से कंट्रोल करना होगा, आप हाई फुट अगर गैदरिंग में उठाओगे तो ये फाउल हो सकता है। ये फ्री किक के साथ क्या बात है, क्या बात है, सलमान फारसी का बहुत ही अच्छा क्लियरेंस, एक काउंटर बन सकता है, लेकिन टीएमसी का मूव और बॉल डाल दिया उन्होंने फाइनल बॉल, काफी अच्छा मूव, लेकिन टीएमसी के डिफेंडर वहां मौजूद और कीपर ने अच्छा कलेक्शन करके अपनी टीम को सेफ जोन में ले आया है। अब देखना है वो थ्रो करते हैं किक करते हैं, उन्होंने बॉल जमीन पर रख दिया है जो कि गेम ऑन है, अगर कोई प्लेयर उसे किक करता है तो वो गोल हो सकता है। एक बार फिर बॉल सलमान फारसी के प्लेयर के पीछे, बहुत ही अच्छा मूव, रेफरी का कोई इशारा नहीं हैंडबॉल का, एक अच्छा शॉट लेकिन कीपर का अच्छा कलेक्शन। एक बार फिर कीपर ने बॉल रख दिया है, और ये फाइनल प्लेयर के पास बॉल, एक बार काउंटर बनता हुआ लेकिन कोई प्रेशर नहीं लिया, बॉल सीधा लाइन के बाहर करके क्लियर कर दिया। टीएमसी के वश में बॉल, अभी टीएमसी का थ्रो, अच्छा थ्रो और अच्छा मूव। टीएमसी के पास एक बार फिर बॉल और उन्होंने अच्छा क्रॉस किया, ये गोल हो सकता है, लेकिन बहुत ही अच्छा मौका, लेकिन डिफेंडर का अच्छा क्लियरेंस। सलमान फारसी का अच्छा मूव, रेफरी का इशारा फाउल, एडवांटेज खिलाने गए रेफरी, लेकिन एडवांटेज ना मिलने की वजह से उन्होंने उसे फ्री किक दिया। अगर फाउल होने के बाद भी टीम को एडवांटेज मिलता है तो रेफरी वो प्रोसीजर भी यूज करते हैं, और वो प्रोसीजर की वजह से टीम को एडवांटेज में गोल भी हो जाता है, तो कभी कभी फाउल के बाद गेम ऑन होने का रीजन ये भी हो सकता है, और अगर एडवांटेज ना मिले तो रेफरी उसे फाउल पे विसिल ब्लो करके गेम को रोक देता है। एक बार फिर अच्छा क्लियरेंस सलमान फारसी का, बॉल टीएमसी के टीम के वश में, देखिए किस तरह से नन्ना बच्चा दो दो प्लेयर को काट कर ले जा रहा है बॉल, और अच्छा पास। ये गोल होने का चांस है, अच्छा शॉट लिया लेकिन डिफेंडर का अच्छा क्लियरेंस और कीपर का अच्छा कलेक्शन। कीपर किक करेंगे और कीपर ने थ्रो किया। हमारे जो दर्शक है, देखने वाले हैं, वो हमारी होर्डिंग्स को टेका लगा के खड़े हैं, आप होर्डिंग से टेका हटा लें, आपके टेके की वजह से होर्डिंग्स गिर जा रही है। अंदर जो वॉलंटियर्स हैं, वहाँ जो खड़े लोग हैं, प्लीज़ उनको दूर करें होर्डिंग से, हमारी बाउंड्रीज से दूर करें प्लीज़, आपके खड़े रहने की वजह से बाउंड्रीज टूट रही है।
मैं मौलाना साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वॉलंटियर टीम से रिक्वेस्ट करे कि वो वहां पर चेयर और एक रॉड का मतलब रस्सी का इंतजाम करके उसे डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए लगा दें, ताकि ये परेशानी हमें बार बार ना फेस करना पड़े। एक और चांस बन सकता है। अच्छा शॉट लिया और ये गोल 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 बेहतरीन गोल। ये दूसरा मौका बनाकर उन्होंने दूसरा गोल दागा है, क्या बात है। सलमान फारसी स्कूल का बढ़ता हुआ स्कोर 2 गोल। टीएमसी 77 का सिंगल। अभी बॉल सेंटर से स्टार्ट होगा। दोनों ही गोल। अच्छा कोई डिफेंडर मौजूद नहीं, सिर्फ कीपर के सामने उन्हें शॉट लेना था। उन्होंने बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट करके क्या बात है। टीएमसी स्कूल के बच्चों का टैलेंट आप देख सकते हो, किस तरह से वो ड्रिबलिंग कर रहे हैं बॉल के साथ, क्या बात है। एक और बॉल की गुंजाइश, एक और बॉल की गुंजाइश है। बॉल लाइन के बाहर जाता हुआ आ गया। ग्राउंड पर 2 बॉल मौजूद है। बच्चों के खेल में जोश देखना चाहते हो तो उनकी हौसला अफजाई करो, क्लैपिंग करो उनके लिए और उनकी हौसला अफजाई करो, उनको आवाज़ दो, उनको गोल मारने पे मजबूर करो। और ये देखिए किस तरह से वो अटैकिंग जोन में बॉल ले गए और हो सकता है गोल का चांस, एक अच्छा शॉट हो सकता है वहाँ पे, आप देख सकते हो। और बहुत ही अच्छा चांस और ये पुश पीछे से, रेफरी का इशारा फाउल और विदाउट बॉल पुशिंग पे रेफरी ने उन्हें येल्लो कार्ड से वार्निंग दी है। आप किसी भी प्लेयर को विदाउट बॉल पुश नहीं कर सकते, रेफरी की आंखें वहां पर मौजूद है और रेफरी ने बहुत अच्छे से उन देखकर उन्हें येलो कार्ड दिया है और फ्री किक का इशारा किया है। और ये फ्री किक जो मिली है फ्रंट ऑफ द गोल पोस्ट है, ये 99% चांस गोल का हो सकता है अगर उन्होंने अच्छा शॉट लिया गोल पोस्ट में, तो ये 100 नहीं 200% गोल हो जाएगा। आप देख सकते हो कीपर गोल पोस्ट के किसी भी हिस्से में नजर नहीं आ रहा है। अगर अच्छा शॉट रहा तो ये गोल होने के चांस है, लेकिन अच्छा क्लियरेंस, क्या बात है। और रेफरी का इशारा हाफ टाइम की विसिल के साथ ये मैच हाफ टाइम पर पहुंच गया और स्कोर है सलमान फारसी 2 TMC 77 0। लेकिन बहुत ही अच्छा गेम है जो इस बार। अभी आपके पास हाफ और है, यानी जितना वक्त आपने खेला उतना वक्त अभी आपको और मिलेगा जीतने के लिए। टीएमसी 77 साइन पनवेल हाईवे और स्कोर करके जीत सकती है, जो बना तो आपके घर तक के सफर को निहायत ही आसान। मुम्ब्रा हिल्स साई में शिल में बसा एक नायाब रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट एसके वैली। माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की खास निगरानी में बनाए गए 3 यूनिक डिजाइन के 21 मंजिला इमारतें, जिन्हें सफा मरवा और तैबा जैसे पाक नामों से नवाजा गया है। दिलकश एंट्रेंस में दाखिल होने पर स्मार्ट पार्किंग सिस्टम्स आपकी पार्किंग को बनाए बेहद आसान। तजुर्बेकार इंटीरियर डिजाइनर्स की आला डिजाइन से बनाए गए आलीशान और आरामदेह लिविंग रूम आपकी सहूलियत के लिए
कम्प्लीटली फिटेड प्रीमियम मॉड्यूलर किचन और शाही और मॉडर्न डिजाइन के बेडरूम्स, इबादत करने के लिए एक खूबसूरत मस्जिद, बच्चों के लिए मखसूस प्ले एरिया, नौजवानों और बड़ों के लिए लैंडस्केप गार्डन, नाना नानी पार्क और जॉगिंग ट्रैक, एसके वैली में रहने वालों की सहूलियत के लिए बनाया गया एक स्पेशियस और खूबसूरत क्लब हाउस, इतिहाद बिल्ड कॉन जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज में एक बड़ा और काबिले एतबार नाम है, ग्लोरियस पार्क और एसके रेजिडेंसी की अजीमो शान कामयाबी के बाद आपके लिए लेकर आया है एक नया नजराना, एसके वैली। दिसंबर और 1 जनवरी को खेला जाएगा मौलाना अबुल कलाम स्टेडियम में, और इसकी रीज़न यह है कि ऑब्वियसली सारे यंगस्टर्स जो हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ माइल हो, वो नेगेटिविटी से निकल के स्पोर्ट्स के माहौल में आए और यू नो हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे की तरफ आए, यू नो दूसरी गलत लाइनों में न जाएं, तो ये बहुत बड़ा मुझे लगता है कि स्टेप है यू नो हमारी सोसाइटी को बेटर करने के लिए। तो आप सबसे मैं इल्तिजा करूँगा कि बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और आकर नौजवान
ये टीएमसी 77 स्कूल स्कोर करती है या नहीं। मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह से आज ये बच्चों का मैच हो रहा है, कल हमारे ओपन कैटेगरी का मैच होगा, यहाँ पे आपको जबरदस्त फुटबॉल देखने मिलेगा। यहाँ पर ये स्टेट टूर्नामेंट रिफॉर्मेशन कप 2022 है, जिसमें बहुत ही अच्छा गेम देखने मिलेगा। और एक बार काउंटर बनता हुआ सलमान फारसी का, बहुत ही अच्छा डिफेंडर को बीट करके लेके जाते हुए अटैकर। टीएमसी 77 का थ्रो इन, एक अच्छा थ्रो, रेफरी का इशारा, फाउल। देखिए बच्चे कितनी मेहनत से खेल रहे हैं और ऑडियंस शांत बैठे हैं, जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि बच्चों का हौसला अफजाई कीजिए। देखिए गोल का चांस हो सकता था, काफी अच्छा मूवमेंट। और एक बार फिर सलमान फारसी के पास बॉल पोजीशन, और ये टीएमसी का एक मूव, गोल होने का चांस है। किस तरह से प्लेयर बॉल मांग रहे हैं, हर एक कोई प्लेयर चाहता है कि वो अपनी टीम के लिए गोल करे, लेकिन अगर टीम में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो गोल बहुत मुश्किल हो जाता है। पास एंड सपोर्ट करके ही गोल मारना पड़ेगा। इसके बाद अल हिदाया स्कूल और एसएनएम स्कूल का मैच है। मैं दोनों ही टीम से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी जर्सी फौरन ले लें, इसके बाद वो
टर्फ पे आके खड़े हो जाए लाइनअप करके, ये मैच खत्म होते ही फौरन हम दूसरा मैच स्टार्ट करेंगे। SNM और अल हिदाया स्कूल के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो फौरन अपनी टीम के साथ टर्फ पे आके खड़े हो जाए। ये मैच का सेकेंड हाफ चल रहा है, इसके खत्म होते ही फौरन आपका मैच स्टार्ट हो जाएगा विद इन 5 मिनट्स। हम आए हुए तमामी विजिटर्स, हमारी माओं और बहनों का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं जमात इस्लामी हिंद मुमरा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये टूर्नामेंट 30, 31 और 1 तारीख 1 जनवरी को भी होगा, यानी आज के दिन के बाद आने वाले 2 दिनों में भी हमारा यहाँ टूर्नामेंट होगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कल और परसों भी हमारा टूर्नामेंट देखने के लिए आए। जिस तरह आज इंटर स्कूल का ये टूर्नामेंट था, वैसे ही कल जो है वो नेशनल टूर्नामेंट होने वाला है। नेशनल प्लेयर्स की टीम हमारे साथ यहाँ पर आके इस ग्राउंड में खेलने वाली है और उनका टूर्नामेंट होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 सालों से जमात इस्लामी हिंद मुमरा में फुटबॉल का ये टूर्नामेंट आगाज कर रही है। ये रिफॉर्मेशन कप का 10th एडिशन है। हमारे इस टूर्नामेंट के को स्पॉन्सर्स पाम रिवेरा, एसके वैली, ज़ाफ़रान द मेगा मार्ट, एम्पायर अरीना, सिल्वर लाइन, एक्सीलेंस क्लासेस, गैलेरिया, M3 कॉन्क्रीट, ये हमारे इस इवेंट की को स्पॉन्सर्स है। इसी के अलावा हमारे इवेंट पार्टनर अल कलम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हमारी इवेंट पार्टनर है। इसके साथ अल हयात हॉस्पिटल ये हमारी इवेंट पार्टनर है। क्रेडिट कॉफ़ी हमारी इवेंट पार्टनर है। TMC हमारी इवेंट पार्टनर है। लोकल हाइप हमारी इवेंट पार्टनर है। NST लाइव भी हमारी इवेंट पार्टनर है। हमारे इस टूर्नामेंट को लाइव आप अपने घर पे यूट्यूब के थ्रू देख सकते हैं NST और जमात इस्लामी के यूट्यूब चैनल पर। TMC के पास बॉल पोजीशन और हो सकता है ये गोल। क्या बात है, रेफरी का इशारा फाउल। रेफरी के इशारे के फाउल के साथ गेम रोक दिया गया। गालिब भाई का इस्तकबाल है। बैडमिंटन के कोच है इस मुमरा के। इस बैडमिंटन को मुमरा में कंटिन्यू जो माशाल्लाह स्टार्ट से लेके अब तक जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है बैडमिंटन की, वो एक है वो गालिब भाई। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहनत से बैडमिंटन मुमरा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। शब्बीर भाई का भी इस्तकबाल है, रिफॉर्मेशन कप में। अफरोज सर किट पैराडाइज के प्रिंसिपल, उनका इस्तकबाल खैर मकदम है रिफॉर्मेशन कप 2022।
क्या बात है, ये बच्चे का पैशन देखिए किस तरह से वो दो दो तीन तीन प्लेयर को काट कर लेकर जा रहा है बॉल। एक अच्छा सपोर्ट मिलने पे वो गोल मार देगा। आप कल ही उसकी हौसला अफजाई कीजिए, उस टीम को सपोर्ट कीजिए, क्लैप कीजिए उस टीम के लिए। टीएमसी टीम गोल मारने जा रही है, आप देखिए किस तरह भी गोल जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये गोल का चांस बन गया और ये गोल होते होते बच गया। देखिए देखिए आप, आपके जोश की वजह से ये बॉल गोल के नजदीक पहुंचा। थोड़ा और आप अगर चिल्ला देते तो ये गोल हो जाता। आपको चिल्लाना जरूरी है, आप चिल्लाओगे तालियां बजाओगे बॉल गोल में जाएगा। रिमोट कंट्रोल आपकी आवाज आपके हाथों में है, बस आप चिल्लाइए सपोर्ट कीजिए और देखिए गोल कैसे होता है। देखिए सलमान फारसी का दो स्कोर है, लेकिन टीम इस वक्त प्रेशर में है। टीएमसी का अच्छा अटैक, एक और अच्छा शॉट, लेकिन टीएमसी डिफेंडर मौजूद कर रहा है दीवार के साथ और देखिए किस तरह से क्लियरेंस किया सलमान फारसी। टीम जरा संभल कर, टीएमसी 77 का हमला कभी भी हो सकता है गोल के लिए। और एक और सलमान फारसी का अच्छा पास, मिस पास होने की वजह से। नेक्स्ट मैच में एसएनएम वर्सेस अल हिदाया, दोनों ही टीम से रिक्वेस्ट है कि रेडी रहें, ग्राउंड के करीब रहें और तैयार रहें। क्या बात है, टीएमसी लगातार डिफेंडिंग कर रही है। जिस तरह की डिफेंडिंग अब वो कर रही है, शायद पहले करती तो वो दो गोल कंसीड नहीं करती, लेकिन फिर भी हौसला बुलंद है, कोशिश जारी है और मुकाबला शुरू है। एक और चांस सलमान फारसी का, लेकिन बॉल अच्छी अच्छी डिफेंडिंग, बहुत ही अच्छा मूवमेंट, लेकिन ये बॉल अटैक।